स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीके में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Realme की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई को उनका Realme पावर बैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आपको पता है, पहला जो पावर बैंक था वो काफ़ी अच्छा था और 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आया था, और वो अभी भी काफ़ी अच्छा है। बट अब यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है 30 वाट आउटपुट के साथ यहाँ पर पावर बैंक, और इसका कैपेसिटी पीछे वाले की तरह ही है, जो कि है 10,000 mAh की। तो इसी वीडियो में मैं सारा कुछ इसके बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल ट्वीट, जो कि Realme लिंक की तरफ से किया गया है, जो कि ऑफिशियल है, और यहाँ पर इसके बारे में सारा कुछ लिखा गया है। तो ये ट्वीट आज किया गया है, आज है 13 और कल है 14 जुलाई, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं डॉट टू पावरफुल यहाँ पर लिखा जा रहा है, डॉट टू फुल पावर। तो इसका नाम है दोस्तों Realme 30 वाट डॉट चार्जर, जो कि देख सकते हैं डॉट चार्ज एक नाम से पता चला बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाला है, और इसके ऑफिशियल सब भी बता चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। आगे देखें दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ है Realme 10,000 mAh पावर बैंक विथ 30 वाट डॉट चार्ज फॉर मल्टीपल फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन। तो इसमें मल्टीपल से पता ये चल रहा है दोस्तों कि इसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स दिए जाएंगे, बेसिकली 2 पोर्ट्स दिए जाएंगे साइज से, तो वो आने के बाद पता चल जाएगा। और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं 2 पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक LED लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता चले कि पावर बैंक कितना चार्ज है। तो 2 पोर्ट्स आपको मिलेंगे USB Type-A, जिसमें आप USB Type-C कनेक्ट करके अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और इस पावर बैंक की सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इसमें दो फ़ोन को एक साथ चार्ज कर सकते हैं 30 वाट पे, जो कि बहुत ही ऑसम सी बात है। तो दोस्तों और क्या चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसमें एक और बात मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास, अगर आप चार्ज करना चाहते हैं जैसे कि Realme Buds, Realme Wireless Buds, जितने भी ब्लूटूथ के डिवाइसेस हैं, आप उसे भी इससे चार्ज कर पाएंगे। बट आप 30 वाट्स पर चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना चार्ज, उतना कैपेसिटी का वो हैंडल नहीं कर पाएगा और वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे कि वो एम्पियर को, करंट को कम कर देता है, जिससे कि आप अपने Realme Buds वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं इसी पावर बैंक के साथ। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और आगे ट्वीट्स में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा लॉन्चिंग टुमारो एट 1 PM ऑन आवर ऑफिशियल चैनल। तो Realme का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये लाइव इवेंट होने वाला है, तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके प्राइस वगैरह की बात करें दोस्तों, तो ये बताया जा रहा है कि 2,000 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है। बाकी ये जो 2,000 आपको पता चली जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि ये कितने में लॉन्च हुआ, ठीक है। अब चलते हैं और आगे बात करते हैं स्पेक्स वगैरह की, और इसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो इसमें आपको और मिलता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो 30 वाट्स तो मिल जाता है, जो कि अब तक का हाईएस्ट मिल जाता है किसी पावर बैंक में आउटपुट। इससे पहले जो Realme का पावर बैंक था उसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता था, और इसमें आप 13 वाट का मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो बॉडी इस बार दोस्तों दिया गया है, वो कार्बन फाइबर बॉडी दिया गया है, जो कि और भी शानदार दिखता है दिखने में। और इसमें 15 लेयर प्रोटेक्शन दिया गया, जिससे कि फटने उठने का चांसेस बहुत ही कम है इस पावर बैंक में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये सभी तरह के डिवाइसेस आप इससे, Xiaomi के डिवाइसेस, Apple के डिवाइसेस, बाकी वगैरह भी चार्ज कर पाएंगे, जो कि सपोर्ट करते हैं फास्ट चार्जिंग को, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आपको इसमें देखने को मिलेगा तो LED नोटिफिकेशन, मीन्स LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाता है, LED इंडिकेटर आपको मिल जाता है बैटरी लेवल पता लगाने के लिए। और इसमें यह भी कहा, क्लेम किया गया कि Realme 6 को आपको 65% चार्ज कर सकते हैं जस्ट 30 मिनट में, तो ये और भी अच्छी बात है। तो काफ़ी सारे बात मैंने कह दिया है। अब इसमें आपको 2 कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, एक तो ब्लैक और दूसरा येलो कलर का। और दोस्तों इसमें ये भी क्लेम किया गया है कि आप अपने फ़ोन को, कोई सा भी फ़ोन हो, उसे 1 आवर 40 मिनट में चार्ज कर पाएंगे फुल, तो ये काफ़ी अच्छी बात है एक पावर बैंक के हिसाब से, क्योंकि पावर बैंक में 1.4 आवर्स में आप चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे तो आपको देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है, कार्बन फाइबर बॉडी है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर अनलिमिटेड पावर हाउस, और इस पावर बैंक को आप चार्ज कर पाएंगे लगभग से 6-7 घंटे में, वो तो आपके यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज़ किया और कितनी देर में चार्ज कर पाएंगे। तो इसे चार्ज करने के लिए आपको Type-C पोर्ट शायद मिलता है, उससे आप चार्ज कर सकते हैं आई गेस। तो चलिए आज मैंने आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन बता दिया है, और ये 14 जुलाई को ये लॉन्च हो रहा है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मैंने
काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन बता दिया हो और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।